मंत्र बलि की जय हो। मैं मन ही मन सोचू था बीजेपी वाले कर्नाटक तक बहन भी लाए पांड बजरंग बलि का नाम भी लेके, तो हम भी बहन लगी हो भाई। तो आज के इस धरने की अध्यक्षता करे प्रधान जी, अलग अलग गांव से आए हुए मेरे किसान साथियों, अलग अलग महकमे से आए हुए तलक भाई, महिला शक्ति, लगातार आपका धरना आज तीसरा दिन है, हमने 37 दिन हो गए। और अलग अलग वक्ता अलग अलग वक्ता ने कहते हैं कि ये किसान बैठे हैं और इन किसानों ने लड़ते में 37 दिन हो गए, इनकी कीमत दिया को नहीं। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम तो हमारा काम लेवल है कि हम 70% पीछे ले गए कंपनी पे, मारे तो 100 करोड़ रुपये रह रहे हैं, हमारा तो काम लेवल है गया है, तारी लड़ाई लंबी हो चुका है। आज महिलाओं की तादाद जो एक कलरक बहने हैं इनकी तादाद भी ठीक आज आपकी। और कल मैं आपके प्रधान में कहूं था, मेरी आवाज आ रही पक्ष ती, कल मैं आपके प्रधान में कहूं था कि जब बारिश आनी शुरू हुई जब सारे उठ उठ के चल पड़े, मैं होना यू चाहिए था जब राम बरसा था तो बैठे बैठा रहना चाहिए था, लोग तो गोलियां के गुंड रहे थे, लोग लठा के कोनी बैठे थे, आंसू गैस के गोले चलने थे जब कोनी बैठे थे, और तब बारिश तो राम बरसा तो उठ के चल पड़े रहे, साला की बात कोनी। अगर जब बारिश में बैठे रहते सारी फोटो लागो अखबार में किए, देखो ये लड़नी है लोग है जो राम बरसा में भी बैठे थे, ये वे लोग हैं सोशल मीडिया पर सारा दिन चल और अब ये कर रख, देखो तो यूं तालो लग रहा धरना, गारंटी है इस बात की जब हम राम बरसा में बैठे रहते नहीं हिम्मत को नहीं थी एस डी एम की, यू तो कह तो एक पड़वा कर यू लपासा करवा दी। और रात ने कल शाम ने जब सतीश का फोन आया मेरे तो रहा कि बोले एस डी एम साहब अरे यार फोर सारी है, और बोले कलरका का यू आता पड़वाकर एक साइड में करवाने लग रहे हैं, तो मना क्या कि बात करवा एस डी एम साहब के लिए, और न्यू कहो कि एस डी एम साहब अगर जो इस तंबू का हाथ लग गया तो तड़का ये दोनों गेट सवेरे पहले बंद करांगे, और उस टाइम तक बंद करा रखेंगे जब तक प्रशासन आपकी गलती नहीं मानेगा। इनकी हिम्मत की है ये तंबू का हाथ लाते फेड़ते मारी एक भी डॉक्टर ट्राली, और जिस दिन यू गेट बंद कर लिया उस दिन से फिर मिलिट्री ले आइयो, मिलिट्री यू गेट नहीं खोलांगे तो हमारा किमें ना रही हो, कमाल की बात है। अरे लाकर कल पुलिस वाले आप धक्का चढ़ लग गए, लोग आना रुकना चाहिए भाई, रुकना चाहिए, रात ना भी मोर्चा पे 20 बूटे मारे इसे हैं जिनसे 37 दिनों के ग्राहक होने गए। ईश्वर की मारा गर्मी में बीमार हो गया, 4 दिन हॉस्पिटल आया, हमने खाली ताऊ घरा भी क्या आराम कर बूढ़ा हंसता हंसता न्यू बोला जब तक खाते में पीछे किसान मैं कर नहीं आवेंगे इतना खराब पहुंचा उल्टा मोर्चा पाएगा। अरे शाम को नौजवान नौ लड़नी है लोग हो, कमाल की बात है, बारिश से डर के बैठ गए। और ये मेरी बहन है झांसी वाली लक्ष्मी बाई की बात करा, अंग्रेजा से लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन एक बात का अपने बेरा को नहीं होगा, और जिसने यह कविता लिखी थी कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, सपुत्रा कुमारी चौहान ने यह कविता लिखने पर 1.5 साल की सजा हो गई थी 1939 में, लेकिन वह फिर भी लिखती रही थी।
फॉर्मलिटी कौन कर ले भाई सबेरे पहली पर्चा एक खाने में उनसे ट्राई कर ताकि सरकार द्वारा रिपोर्ट जावे कि हरियाणा के इतने कलक और हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार द्वारा रिपोर्ट जावे कि लोग लड़ने के लिए सड़का पर उतर रहे हैं और रोज के जो नए नए कानून लान लग रही है जो लड़ान लग रहे तो हम धर्म के नाम पे मैं बात बता दू इस देश में कदे धर्म का रोड़ा को नहीं रहा, राज के रोड़े जरूर रहे हैं। अंग्रेजा का राज था पहली कदे हिंदू मुसलमान के दंगे इस देश में तो नहीं हुए थे और जब पापर ने पहली बारी इस देश पर आक्रमण कराया था और मेवात का राजा हसन खान मेवाती दौरे यू संदेशा भेजा था कि तू मेरे धर्म का है तू मेरे कानी का लड़े तो हसन खान मेवाती ने कहा था कि मेरा देश मेरा देश मेरे खातर पहली है मेरा धर्म बाद में। लेकिन राजकरणिया ने राजकरण खातर आपस में जरूर गठजोड़ करे हैं। वीर सावरकर ने जिन्ना के लिए दोस्ती कर ली थी 1952 में और बंगाल में सरकार बना ली थी वो वीर सावरकर जिसके बारे में वीर कहा जावे कमाल की बात यह कि 80,000 लोगों ने सजा हुई थी काला पानी की 80,000 लोगों ने तीन आदमियों ने माफी मांगी थी एक वीर सावरकर था और दूसरा भी एक और सावरकर था और तीसरा कोई बंगाल का आदमी था नहीं 80,000 में तो सारे ने सजा काटी थी जुलम सहे थे फांसी खाई थी और भूख हड़ताल कर काटती जान देती थी माफी नहीं मांगी थी आज उसे ना वीर बनाने की कोशिश करने लग रही है। इसलिए भाइयों मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये देख भाई गीत गान लग रहा था भोरे के सामने का टाइम आ रहा है लोग जान लग रहे हैं कावड़ जान खातर और मेरा गांव के 5-7 समैकिए कैल न्यू बोले चलना नान है हरिद्वार मैं वहां ताम भी जो मारी पाड़े हरिद्वार होगी ना किसी का सिलेंडर उठेगा ना किसी का मोटरसाइकिल साइकिल उठेगा ना किसी का घर कोई सामान की चोरी होगी। या तो भाई ताम चले जाओगे मामताड़े कराए गंगा गांव में गंगा नहाए इस देश में कमाल की बात यह है कि आप ना आपकी जमीन बेचनी हो एक आधार कार्ड पर आपकी जमीन बेच सको लेकिन किसान ना आपकी फसल बेचनी हो तो 10 कागज इकट्ठे करने पड़े बेईमानी को नहीं गया पटवारी की फर्द फलाने की गिरदावरी उसकी मोर नंबरदार का कागज 10 कागज इकट्ठे करने पड़े और फिर भी तसल्ली को नहीं फसल बिक दे। एक और नई चीज लेकर आए हैं कि टीएपी के कट्टे के लिए 20 किलो गोबर की खाद भी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए हमने तो तय कर रखा है कि जब भी कोई किसी भी तरह की तानाशाही सरकार करेगी लड़ना पड़ेगा। नैनो खाद नैनो की जो बोतल थी वो देवे थे यूरिया के लिए 4 कट्टे यूरिया एक नैनो लेनी पड़ेगी धक्का कर लिया। किसी साथी का फोन आ गया हिसार की मंडी में था कि नैनो देवे धक्के तन नहीं तो बोले यूरिया कौन देंगे। मैं और मेरा साथी चरणपाल हम दो ही जने थे हम चले गए दुकानदार से पूछा भाई लाला जी या तो गलत बात आप जब मर्जी नहीं है किसान की फिर आप किस तरह नैनो देखते हो और अगर आप न्यू कहोगी देऊंगा तो फिर हम कहा टीसी का और टीसी का तो आपकी दुकान का लसस कैंसिल करवा के लेवांगे और नहीं तो अपना बेरा फिर हम टीसी का बनना का छोटे करा जब हमारा काम बन दिख रहा है 200 किसानों में घर पर लेकर टीसी उल्टी करी यह संसद की ताकत है। यू झंडा जिस पर चाचा अजीत सिंह की फोटो है भगत सिंह का वो चाचा भाई जिसने लहर चलाई थी पगड़ी संभाल और पगड़ी संभाल जमीन थी पगड़ी माना गया है जमीन जावे थी 1907 में
अंग्रेज कानून ले आए थे कि जिस किसान के दो बेटे और खुदा ना खास्ता एक बेटा गुजर गया तो वह एक बेटे की जमीन सरकार के चली जाएगी। इस कानून के खिलाफ लहर फुलाई थी पगड़ी संभाल जट्टा और पगड़ी संभाल, वो चाचा अजीत सिंह की फोटो का झंडा लेकर निकले हैं। या ताकत है इसकी सामने झंडे की कि पूरा हरियाणा राजस्थान पंजाब में जड़े भी चले जावा टोल को नहीं देंगे। टोल वाले देखता झंडा, टोल वाला झंडा ठावा एक मिनट में। इसलिए संगठन जरूरी है, संगठन ऐसा जो ईमानदारी तो लड़े, संगठन ऐसा जो रात में 12 बजे भी कोई फोन करे जब उसके साथ में जाकर खड़ा हो दे, जब किसी किसान का गेल धक्का हुआ टाइम को नहीं देख दे और मारती देख के। यह भी सच्चाई है कि बिल्ला अगर लाग रहा हो किसी किसान का तो तहसीलदार रोटी आधार कौन मांगता रजिस्ट्री के पीछे कौन मांगता। थाना में जाकर बैठ जा धरना लगा लिया तो हिम्मत नहीं होती किसी पुलिस वाले की कि किसी किसान ने कह दे 5,000 रुपये दे दे 10,000 रुपये दे दे। मैं अपना एक उदाहरण दे, किसान आंदोलन में माड़ा माइड़ का एक किसान था, उसका मोटरसाइकिल उठ गया, दूध का काम था, उसका मोटरसाइकिल पावर को काम रुक गया। अर्बन स्टेट थाना लाग गया था, हमने थानेदार से क्या भी मोटरसाइकिल टो के दो, 5 दिन में टोवांगे, 10 दिन में टोवांगे, 15 दिन में टोवांगे। न्यू बात करे मां, न्यू बात नहीं बनती। 10 गाड़ी भर के ले गए थाने में और थाने आके तरी बिछा के बैठ गए। थानेदार ने न्यू पूछना पड़ा 1,000 रुपये का मोटरसाइकिल था। जमींदार ने बोला, बोला जो होगा 12-13 हजार का। बोला ये लोग 15 हजार रुपये भाई मोटरसाइकिल ले ले, तेरा काम चला ले। ये किसानी आंदोलन की ताकत है। इसलिए साथियों अब आप बैठे हैं, आने दे दे पुलिस वाले। बहुत से उदाहरण है, हर रोज लड़ना पड़ा, हर रोज किसी फैक्ट्री के खिलाफ, हर रोज किसी कंपनी के खिलाफ, हर रोज सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े। आप लड़ोगे आपकी नौकरी बचा दोगे, इस बात की तसल्ली मानियो नहीं, नौकरियां सरकार छोड़ती को नहीं। 3,16,00,000 नौकरी पिछले 3 साल में खाएगी सरकार, 3,16,00,000। और कोई भी भर्ती 5-7 साल बोना पूरी को नहीं होती। मेरे पड़ोस में एक हरिजन परिवार का बेटा, उसका सिलेक्शन हो गया जूनियर लेक्चरर में, जूनियर लेक्चरर में एसएससी सुपरिटेंडेंट का। आज आज जूनियर लेक्चरर में उसका सिलेक्शन हो गया और ज्वाइन को निकलाया, उसने दूध का काम शुरू कर दिया। दूध का काम शुरू करने के बाद में भर्ती कोर्ट में चली गई, बात देखा गया ज्वाइन कराऊंगे। जब सरकार, जब कोर्ट का आदेश आ गया कि ज्वाइन कराऊंगे, उसने आपका दूध का काम एक पड़ोसी भी दे दिया। और इसी बनी भाई आज 2.5 साल हो गए ज्वाइन को नहीं कराया, चलेगा दूध का काम भी गया, इत्यादि करने लगे। ये हालात देश के बनाकर सुन रखे सरकार ने। इसलिए साथियों माइक पे साफ सुथरा अपना माइक चलाई करो।